नमस्कार बच्चों, आज हम बीएड फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर जिसका नाम समकालीन भारत तथा शिक्षा है उसके कुछ विषयों के बारे में पढ़ेंगे। आज हम भारतीय शिक्षा के समसामयिक मुद्दे जानेंगे क्या हैं। सबसे पहले हम शिक्षा के सार्वभौमिकरण के विषय में जानते हैं। वैयक्तिक, सामाजिक और राष्ट्र की प्रगति के लिए शिक्षा नितांत आवश्यक है। सभ्यता और संस्कृति के संरक्षण, हस्तांतरण और विकास हेतु शिक्षा बहुत ज़रूरी है। राष्ट्र को आवश्यकताओं, उद्देश्यों के अनुकूल समाज के पुनर्निर्माण के लिए भी शिक्षा ज़रूरी है। शिक्षा राष्ट्रीय विकास, राष्ट्रीय एकता, भावनात्मक एकता और विकास करने के लिए बहुत ही एक मजबूत कड़ी का काम करती है। शिक्षा को प्राय दो भागों में विभाजित किया गया है, विद्यालयी शिक्षा और उच्च शिक्षा। विद्यालयी शिक्षा के अंतर्गत दो प्रकार की शिक्षा हैं, प्रारंभिक या प्राथमिक शिक्षा एलिमेंट्री और प्राइमरी एजुकेशन, माध्यमिक शिक्षा दूसरी सेकेंडरी एजुकेशन। शिक्षा के भव्य निर्माण की आधारशिला प्राथमिक शिक्षा होती है। प्राथमिक शिक्षा सांस्कृतिक विलंबना का निरीक्षण करने से में भी सहायक होती है। सांस्कृतिक विलंबना से तात्पर्य है भौतिक संस्कृति में तीव्र गति से परिवर्तन आने और अभौतिक संस्कृति अर्थात मूल्यों और मान्यताओं में उनके अनुकूल परिवर्तन न आने से, जिससे अभौतिक संस्कृति का भौतिक संस्कृति से पिछड़ जाना। यदि प्रत्येक व्यक्ति को आधारभूत प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध होगी तो सामाजिक परिवर्तन को प्रक्रिया में निस्संदेह सहायता मिलेगी। भौतिक संस्कृति में तीव्र गति से परिवर्तन, इसका मतलब है कि जैसे हमारे जैसे कंप्यूटराइजेशन, मशीनीकरण, नई नई गजेट्स आना, इन चीज़ों का तो उपकरणों का बहुत अधिक विकास हो जाना, लेकिन जो हमारे सामाजिक मूल्य हैं, हमारे जो विचार हैं, वो उनके प्रति तीव्र गति से परिवर्तित नहीं होते। नई आधुनिक जो भी ये इन्वेंशंस होती हैं उनके प्रति भी हमारे मन में, उनको अपनाने के लिए भी हमें अपने आप को तैयार करना पड़ता है। तो इसलिए इन दोनों के अंदर भी सामंजस्य बिठाना बहुत अधिक आवश्यक है। शिक्षा के सार्वभौमिकरण का अर्थ क्या है? सार्वभौमिकरण शब्द का अर्थ है कि सभी समस्त संसार में, पूरी दुनिया में कोई चीज़ को समान रूप से फैलाना, पूरी भूमि तक प्रसारित करना। सार्वजनिकरण का मतलब होता है सब जनों तक पहुंचाना, और सर्वव्यापीकरण का मतलब होता है सब में व्याप्त करना या सब में फैलाना। मतलब कि देश की निचले तबके की जनसंख्या से लेकर उच्च वर्ग तक सभी लोगों को समान रूप से कोई सुविधा प्राप्त हो, चाहे वो शिक्षा हो चाहे और भी चीज़ हो, लेकिन सार्वभौमिकरण या का अर्थ यही होता है। यूनिवर्सलाइजेशन मतलब कि सब में समान, पूरे यूनिवर्स में सभी को समान रूप से वो चीज़ की उपलब्धि हो। जब कोई चीज़ या घटना पूरे विश्व तक फैल जाए तो वह स्थिति सार्वभौमिक या सर्वव्यापी कहलाती है। जैसे यदि कोई बीमारी पूरी दुनिया में फैल जाए, जैसे कोरोना, तो यह कहा जाएगा कि अमुक बीमारी ने सार्वभौमिक रूप ले लिया है। आजकल आतंकवाद सर्व विश्वव्यापी घटना बन गई है। शिक्षा के सार्वजनिकरण या सार्वभौमिकरण का शाब्दिक अर्थ है शिक्षा का किसी निश्चित स्तर तक सभी लोगों के अनिवार्य और निःशुल्क रूप से उपलब्ध होना। सार्वभौमिकरण की अवधारणा को सफल बनाने के लिए तीन शर्तों को पूरा किया जाना ज़रूरी है। जैसे नंबर वन, सर्वव्यापी प्रावधान। शैक्षिक सुविधाओं के सर्वव्यापी प्रावधान से मतलब है बालक बालिकाओं की शिक्षा के लिए उचित दूरी पर पाठशालाएं उपलब्ध होनी चाहिए। पाठशालाओं के अभाव में शिक्षा की सार्वभौमिकता का लक्ष्य पूरा नहीं किया जा सकता। स्कूल इतनी दूर होने चाहिए, न ज़्यादा दूर हो जिससे बच्चों को वहाँ तक पहुँचने में तकलीफ़ हो, उनकी दूरी उनके लिए सुगमता से वो स्कूल तक जा सकें, इतना उनके विद्यालयों की दूरी होनी चाहिए। सर्वव्यापी नामांकन होना चाहिए। दूसरा, प्राथमिक शिक्षा को आयु वर्ग के सभी बच्चे अनिवार्य रूप से पाठशालाओं में अपने नाम दर्ज कराएं।
और कोई भी बालक पाठशाला में प्रवेश लेने से न रह जाए, सभी को उसमें एडमिशन स्कूल के अंदर ज़रूर ज़रूर करवाना संभव हो, ऐसी सुविधा उनको देनी चाहिए। सर्वव्यापी रुकावट, मतलब कि सभी बालक जिन्होंने एक बार पाठशाला में प्रवेश ले लिया है, वे प्राथमिक शिक्षा को पूरी अवस्था सफलतापूर्वक पूरी करके ही पाठशाला छोड़ें। प्राथमिक शिक्षा पूरी किए बिना कोई बीच में पढ़ाई ना छोड़े, ऐसा भी हमें प्रयास करने की अति आवश्यकता है। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसी से हम बालकों की जन्मजात शक्तियों का विकास कर सकते हैं, उनके उनके चरित्र में शोधन कर सकते हैं, उन्हें उच्च चरित्र के देश के अच्छे नागरिक बना सकते हैं, समाज की प्रगति में उनके महत्वपूर्ण योगदान को हम तभी सफल कर सकते हैं जब उनको प्राथमिक शिक्षा अच्छी प्रकार से दी जाए। समाज के विकास के लिए व्यक्ति को न्यूनतम प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त करनी अति आवश्यक है, जिससे वह अपने दायित्वों को समझकर समाज का एक प्रबुद्ध और जागरूक नागरिक बनकर समाज के विकास और प्रगति में पर्याप्त वो अपना योगदान दे सके। राष्ट्रीय विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। लोकतंत्रीय जीवन शैली के लिए भी अति आवश्यक है कि बच्चों को प्राथमिक शिक्षा में उनकी नींव मजबूत करके एक अच्छा नागरिक बनाकर हमारी लोकतंत्रीय संस्थाओं में वे सक्रिय रूप से आगे चलकर भाग ले सकें, इस योग्य हम बनाएं। राष्ट्र की उत्पादकता में भी वृद्धि होती है यदि समस्त देश की जनता पढ़ी लिखी होगी, सुशिक्षित होगी और उनकी कार्य क्षमता में भी वृद्धि की जा सकती है शिक्षा के माध्यम से। अतः प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की आवश्यकता और बहुत ज़्यादा इसका महत्व है।